श्रोतागणों, जिसके गायक कलाकार हैं राजेंद्र सिंह खरकिया व साथी। किस्सा है नेता सुभाष चंद्र बोस, भाग नंबर एक। ओ किसी ने कहा है कि किश्तियां बह जाती है तो तूफान चले आते हैं, और यादें रह जाती हैं तो इंसान चले जाते हैं। जिस समय भारत माता उन अंग्रेजों की गुलाम थी, तो एक दिन की बात है, भारत माता भगवान के सामने विनती करने लगी, हे भगवान, मुझे इन अंग्रेजों की कैद से छुटकारा दिलाइए। तो भगवान कहने लगे कि जब तक भारतवर्ष में कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, जैसे बीमारियां दूर नहीं होंगी, तब तक देश आजाद नहीं हो सकता। इतनी बात सुन के भगवान की भारत माता रोने लग जाती है, और दुखी आत्मा क्या कहने लगी, भला सुन सुन ताने भारत माँ की भई नाड़ तड़े न होगी, अर चढ़गी शर्म ली आज आज मैं कोन्या बोलन जोगी। सुन सुन ताने भारत माँ की नाड़ तड़े न होगी, छीटे से लागे आज सब ते पछे हिंदुस्तानी रह गए बोलनिया आगे, बिना अकल के ऊंट उघाने काटिया के मां भागे। यो हिंदुस्ताने नींद का दुखिया है और मुलक सब जागर, यो हिंदुस्ताने नींद का दुखिया और मुलक सब जागर। हाँ बेरा ना कद आँख खुलेगी, बेरा ना कद आँख खुलेगी, या बोली जनता सोगी, चढ़गी शर्म आज आज मैं कोन्या बोलन जोगी। सुन सुन ताने ताने मारन लगे बरमाची ने जापानी, अमेरिका अफ्रीका रूस और जर्मन लोग थे ईरानी, अरब तुर्क भी बोली मारे कट्ठे कर उठानी। ये के मांगे आजादी के हेरा पागल हिंदुस्तानी, ये के मांगे आजादी के पागल हिंदुस्तानी, बेईमानी और बे
84,000 दिखे 84,000 जून बताई यो ब्रह्म एक बतलाया। अलग अलग जाति है पर भाइयो यो धर्म एक बतलाया। पंचायत बताई मुट्ठी के माँ पर ब्रह्म एक बतलाया। हाड मास यो रे खून पसीना यो चरम एक बतलाया रे। हाड मास यो रे हाँ समझनिया के या कली तीसरी या गुप्ती सेल तब होगी। चढ़गी सर में याद याद में को न बोलन श्री लक्ष्मी चंदन सांग करया नौटंकी लकड़ हारा। मांगे राम ईर पीर की जोड़ रागनी गारा। धनपत सिंह निदाने का लीलो चमन मारा। सुन सुन कहने बात अनाड़ी यो भारत डूबा जारिया रे। सुन सुन कहने बात मेर सिंह पर चार धर्म का कर मेर सिंह या दुनिया थुक बलोगी। तो सजनों जब इतनी बात उस दुखी आत्मा भारत माँ की ने कही तो बताते हैं जो भगत कष्ट को सहता है उसको एक दिन फल जरूर मिलता है। तो कवि ने इस रागिनी में क्या दर्शा दिया बला। लोगो भगत कष्ट ने हेर सया करें क्यों सुख के बाता होगी। अरे थोड़े दिन की बात तेरी जय भारत माता होगी। भगत कष्ट ने सया करे क्यों सुख के बाता होगी। थोड़े दिन की बात तेरी जय भारत माता होगी। कष्ट ने सया करे सुख के बात होगी। के भगता खातर राम रसोई तेरे भगता खातर राम रसोई घी और पूरा कर देगा। उड़द मूठे बंगर की रोटी
मैदा चूरा करी देगा। अरे भारत माता तेरे काज में जो ईश्वर पूरा कर देगा। पहले कैसा रंग भारत में ओए जाऊर करी देगा। पहले कैसा रंग भारत में ओए जहूरा करी देगा। विष्णु ने वरदान दिया, विष्णु ने वरदान दिया, भारत की सहायता होगी। थोड़े दिन की बात तेरी जय भारत माता होगी। भक्त कष्ट ने सया करे तू सुख के पाता होगी। थोड़े दिन की बात तेरी जय भारत माता होगी। शाबाश। श्री गांधी जी का लेक्चर सुन के, श्री गांधी जी का लेक्चर सुन के सबके तन में जोश होगा। वीर मर्द बालक बुढ़िया के सुन सुन के न होश होगा। इलाहाबाद में पंडित नेहरू कलकत्ते में बोस होगा। राज छोड़ के बाजे गोरे लंदन लठा कोश होगा। राज छोड़ के बाजे गोरे लंदन लठा कोश होगा। हिंदू और मुसलमान की, हिंदू और मुसलमान की केरला तमलाता बात होगी। थोड़े दिन की बात तेरी जय भारत माता होगी। भक्त कष्ट ने सया करे क्यों सुख करवाता होगी। थोड़े दिन की बात तेरी जय भारत माता होगी। तहसील गांव कठे कठे सबने अस्टेट हो गे। वीर पटेल तेरी जनता के कमांडर और मेठ हो गे। ये कांग्रेस में मददगार दिल्ली में बिरला सेठ हो गे। तन मन धन गऊओं की सेवा तेरे भारत में डेट हो गे। तन मन धन गऊओं की सेवा भारत में। हाँ कर्ण कुबेरे बराबर दुनिया, कर्ण कुबेरे बराबर दुनिया क्या तनी दाता होगी। भक्त कष्ट ने सया करे दुख करवाता हो। सुख संपत्ति आनंद होगे। श्राव मासी और चोरी जारी जुए सट्टे बंद होगे।
आजादी का नाम सुन के लोग घने परेशान हो गए। आजादी के भजन कहनिया बरौन में मेरे संग हो गए। आजादी के भजन कहनिया बरौन में मेरे संग हो गए। अकलमंद दुनिया चतरी अकलमंद दुनिया चतरी तेरे पे तो की गथा होगी। थोड़े दिन की बात तेरी जे भारत माता होगी है। भक्त कष्ट ने तो सजनों बताते जू जू पृथ्वी पे अन्याय होते हैं, पाप उतर आता है, तो उस पाप को मिटाने वाला भगवान एक न एक इंसान को जरूर उतारता है। इसी तरह बताते हैं जब भारत माता पर मुसीबत आई तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, और जब सुभाष चंद्र बोस जवान हुए और जय हिंद का नारा लगाया सुभाष चंद्र बोस ने, तो एक दिन सुभाष चंद्र बोस अपने गहरी नींद में सोए हुए थे, तो एक दिन भारत माता बेड़ियों में जकड़ी हुई थी और रात को सुभाष चंद्र बोस को सपने में दिखाई दी, और एक बात के द्वारा भारत माता नेता सुभाष चंद्र बोस को सपने में क्या कहने लगी। हे रे बिशनपुरी से भारत माता, भाई कलकत्ते में आई, हर गई बोल ले आंख खोल करे होश बोश बलताई। बिशनपुरी से भारत माता कलकत्ते में आई, गई बोल ले आंख खोल करे होश बोश बलताई। युत भारत देशी बड़ा सोव से तने जगाना होगा रे। हे मात पिता ओरी हे कुटम कबीला घर बार त्यागना होगा रे। हाँ तेरे सामने है खून की होली ही खेल लागना होगा रे। यो प्यारा हिंदू से है तान छोड़ के तने बार भागना होगा रे। प्यारा हिंदू से तान छोड़ के बार भागना हो राज में लेना, मांगे तने राज में लेना। तेरे करनी पड़े लड़ाई, कई बोल ले आंख खोल करे होश बोश बलताई। बिशनपुरी से भारत माता कलकत्ते में आई, कई बोल ले आंख खोल करे होश बोश बलताई। जिसके आसे औलाद नहीं वा है वीर सबर कर ले से। हाँ जो बेटे जन के है दुख देख ले उस माँ का जीवना कैसे। मेरी अपने हाथा तू नार काट ले यो पड़ा गंडा सानी से। दिखे भारत माँ है पूत सपूत मन तू ही दिखाई दे से। तेरे भारत माँ का पूत सपूत मन तू ही दिखाई दे से।
जती रे लक्ष्मण कैसे श्री रामचंद्र के भाई खेरू रे दई देवता भूत मसानी नगर भूमिया गेरू रे हे कृष्ण समान ज्ञान गांधी का धर्म युधिष्ठिर नेहरू रे तू अर्जुन बन के है तीर चला हाँ पैदा हो गे गेरू रे अर्जुन बन के तीर चला मैं भारत माता ने कही तो सुभाष चंद्र बोस की थोड़ी थोड़ी आंख खुल जाती हैं, अरे एकदम चौकन्ना हो गया और भारत माता नंबर चार में के कहने लगी बना से घना जरूरी ही काम जाना मन रे उस गांव बरोने में दिखे मेर सिंह का मेर सिंह का घर तो सू बसरा बार पन्ने में ओ तन मन धन से हे मदद करेगा आजादी के आने में होके वरदू सूरे राजी होके वरदू से तू जाते कर कविताई कई बोल ले आग बोल कर होश होश बलदाई बिसरपुरी से भारत माता कलकत्ते मयाई कई बोल ले आग खोल कर होश होश बलदाई। तो सजनों जब सुपने के मां भारत माता सुभाष चंद्र बोस को दिखाई दी तो सुबह नींद खुली तो सुभाष चंद्र बोस उठते ही अपनी भाभी के पास गया और कहा भाभी जय हिंद। उसकी भाभी कहने लग गया हो बोस के बात आज अपने मुंह तो जय हिंद का तेना शब्द किस तरह बोलिया जो ये शब्द जय हिंद का बोलने वाला है वो तो अंग्रेजों ने काले पानी उतार दिया। और उसकी भाभी एक बात के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को यूं कहने लगी ओए जाल साज अंग्रेज उतले हर लते साथ बलाता मैं अरे ढके ढकाए डोल रान दे केले गाइन बाता
उतले लते सात बलाता मैं ढके ढकाए ढोल रान दे केले गाइन बाता मैं ताल साज अंग्रेज उतले लते सात बलाता मैं के बुझेगा इन अंग्रेजा ने मोटा जुल्म गुजार दिया। जब इतनी बात उस सुभाष चंद्र की बोस की भाभी ने कही तो सुभाष चंद्र बोस हाथ जोड़ के नुकर ला गया। भाभी तू की करी से इतना अत्याचार किया था उन अंग्रेजों ने। नुवली के मने एक तेरे वो शब्द कहा था ना जिसने जय हिंद का नारा लगाया। उन दुष्ट अंग्रेजों ने उन ऐसे ऐसे वीरों को काले पानी उतार दिया और छो में भर के सुभाष चंद्र बोस की भाभी सुभाष चंद्र बोस को न्यू करने लगी। हाँ के बुझेगा इन अंग्रेजा ने मोटा जुल्म गुजार दिया। जिन्हें रोड़ी का पुल त्यार करया ओ शान मिस्त्री मार दिया। एक हीरा लाले दूल्हा था जो हाँ पकड़ के दम डार दिया। हाँ खुद तेरा चाचा है बोस बिहारी काले पानी तार दिया। इस आजादी ने रे भगत सिंह से आजादी ने भगत सिंह से वीर खो दिए हाथा में ढके ढकाए ढोल रहन दे केले गाइन बाता में दार साज अंग्रेज उतले लते साथ बलाता मैं ढके ढकाए ढोल रहन दे केले गाइन बाता मैं। न्यूबली का बोस इन अंग्रेजों ने हमारी हिंदी को मिटा के और इन्होंने अपनी अंग्रेजी बुझा दी कि किस्त्रियां वापी कई स्त्रियां और के कहने लगी भला। दिखे राम नाम जय हिंद छुटा के गुड मॉर्निंग पुजा दिया। एक इंद्रनाथ सुनिया होगा जो पकड़ कैद मैं तुझा दिया। वीर केसरी पंजाबी का है तुरंत डला सा बुझा दिया। दिखे जलिया वाले बाग में डायर ने मार मार मुंह सुझा दिया। जलिया वाले सहज निचोड़ से के सहज सहज के निचोड़ से इन ब्रड़ तत्ये छात्या में ढके ढकाए ढोल रान दे केले गाइन बाता में। ओ दाल साज अंग्रेज उतले लते साथ मिलाता मैं प्रसाद ब्राह्मण की आड़े। राम प्रसाद ब्राह्मण की आड़े जड़ छोटी सी मूल नहीं
चंद्र शेखरी दलीप सिंह की ही पड़े देश में भूल नहीं। पूजा ने दुखी देना से भाई दिखे पर जान दुखी देना से यो राज धर्म का वसूल नहीं। दिखे खिल रहा सुतरा महक का किसे काम का फूल नहीं। खिल रहा सुतरा महक का के खसबोई लेगा इने के खसबोई लेगा इने। आग डाक के पत्या में टके डकाए ढोल रहन दे के लेगा इन बाता में। गाल साथ अंग्रेज उतरे लते साथ बलाता सोमण की दिखे सो सोमण की जाल उठे सुने आल जासी की रानी का। अग्नि के मगत जला दिया मैना देवी रानी का। धरती पर के है छोरा खो दिया और पुल जाट जुलानी का। दिखे पढ़े लिखे बन पता लगना अंग्रेजा की कहानी का। पढ़े लिखे बन पता लगना ओ अंग्रेजा की कहानी को। मेर सिंह ने वेद टोलिया मेर सिंह ने वेद टोलिया इन डायरी बही खात्या में डके डकाए टोल रान दे केले गाइन बाता में दे। दाल साथ अंग्रेज भावज की बात सुनी सुभाष चंद्र बोस ने तो अपनी भाभी का हाथ पकड़ के अन्यू कहने लगा कि भाभी पर मेरे कान लखाइए। तो सुभाष चंद्र बोस की भाभी सुभाष चंद्र बोस का निजब लखाई तो हाथ जोड़ के अपनी भाभी के सामने और एक बात के द्वारा न्यू कहने लग गया। एरी देश गुरु गांधी के छोरे भारत देश गुलाम हमारा आजाद करूंगा लड़ के। कलेश देश मारा ना सगाटे की सीते श्री गांधी का प्रकाश जगत में
होगा बाद ससीते श्री गांधी का प्रकाश जगत में। सिर फोड़ू और फड़वा लूंगा उन अंग्रेजा ते भड़ी के। आए देश गुरु गांधी के दौरे दिल्ली जाना तड़के। भारत देश गुलाम हमारा आजाद करूंगा लड़े के। भारत देश गुलाम हमारा आजाद करूंगा। दिखे जाना होगा मन जाना होगा रण के मैं। हा मन में सोच विचार करूं जो कही थी भारत माता इब वाई मकार करूं। जीतर हाथ आने मिलूंगा चाल पड़ा सो बेछड़ के। देश गुरु गांधी के धोरे दिल्ली जाना तड़के। भारत देश गुलाम हमारा आजाद करूंगा लड़े के। मेरी भारत देश गुलाम हमारा आजाद करूंगा। दिखे बुझ दिल और ना मर्द ही जड़ी ने। बुझ दिल और ना मर्द ही जड़ी ने। प्यारा दिल लागे एरी दुश्मन आग पीठ देखा के। वीर कदे ना भागे एरी दुश्मन आगे पीठ देखा के। वीर कदे ना भागे एरी रफल तोप के आगेरी। खड़ा हो जांगा अड़के बेशक ते मेरी जान चली जा ना सीज समझता तड़े के। श्री लक्ष्मी चंद श्री लक्ष्मी चंद सतगुरु जी के पाजा कैच चकारूंगा। मेर सिंह तन मन धन सब कुछ उससे पे मैं वारूंगा। दिखे मेर सिंह तन मन धन सब कुछ
उसे पे मारूंगा, मेहर सिंह तन मन धन सब कुछ उसे पे मारूंगा। एरन निरपय हो गोते मारूंगा, इस ज्ञान गंग में बढ़ गए ना, हाथ पुराने कहलाऊं कहूं भजन नए नए घड़ी के। तो सदनों जब ये बात नेता सुभाष चंद्र बोस ने कही के देश गुरु गांधी का धोरे दिल्ली जांगा तड़के और भारत देश गुलाम हमारा आजाद करूंगा लड़के, न्यूकन लागी सुभाष चंद्र बोस की भाभी का देवर दिल्ली तो जाओ से एक छोटी सी फरमाइश समेरी जा पूरी कर दे तो न्यूकन लागे री भाभी पर तू बताओ न। तो बताते हैं उस सुभाष चंद्र बोस की भाभी एक साड़ी के बारे में जिक्र करती है का कैसी साड़ी लिए और के कण लागी। न्यू बोली बोस इसी साड़ी ला दे, दुख दूरे उमरे भर का हो बोस इसी साड़ी ला दे, दुख दूरे उमरे भर का हो बोस इसी तेरा छपा फैशन नए बेजान का हो साड़ी के माँ खिंचा हो या नक्शा सारे हिंदुस्तान का हो साड़ी के माँ सारे हिंदुस्तान का हो। ओए रामचंद्र लक्ष्मण का फोटू माए हनुमान का हो चारू पल्ला पे फोटू सावत हरी और सत्य वान का हो आए पीड़ा हरा सफेद लाल रंग आजादी की दुकान का हो पीड़ा हरा सफेद लाल रंग आजादी की दुकान का हो। एरा बीच में महात्मा जी का फोटू पास धरा सर खाओ बोस इसी साड़ी ला दे, दुख दूर उमरे भर खाओ बोस इसी साड़ी ला दे। खिला चौदस और पूर्ण मासी का हो आगरा दिल्ली का फोटू नक्शा सारे जासी का हो आगरा दिल्ली का फोटू नक्शा सारे जासी का हो। आए जलिया वाले बाग का फोटू डायर की बदमाशी का हो हिलता दे दिखाई टक्का भगत सिंह की फांसी का हो ये साड़ी कल्याण देवर काम नहीं हंसी का हो ये साड़ी कल्याण देवर काम नहीं हंसी का हो। आजा
आजाद हिंद यो फौज का फोटू आजाद हिंद यो फौज का फोटू नक्शा सिंगापुर का वो सही सी साड़ी ला दे तुम दूरे उमरे भर का हो वो सही सी साड़ी ला दे दूरे उमरे भर खून लगा हो उन अंग्रेजा के चाम का आए लड़ती दिखे सेना नक्शा बर्मा ओरी आसाम का आए साड़ी के मा फोटू अपना भारत देश तमाम हो जगह जगह पे लिखा हुआ गुरु लक्ष्मी चंद का नाम हो आये मेहर सिंह का घर साड़ी में माहे बरोहना गाम हो मेहर सिंह का साड़ी में माहे बरोहना नाम हो आये छोटे मोटे कवि सभी जो ताजे मेरे शेर का हो वो सही सी साड़ी ला दे दुख दूर उमर वर का हो वो सही सी साड़ी ला दे दूर उमर वर का। तो जब इतनी बात उस सुभाष चंद्र बोस की भाभी ने कही तो अपनी भाभी से लेकर राम राम और सुभाष चंद्र बोस दिल्ली की तरफ रवाना होता है और किस तरिया चाम भरिया के बता दिया। एर कटन मरण ते श्याल डरिया कर भाई शेर भरिया कर चाहम और भरिया खुशी में बोस जनू बंदड़े का बाबू ब्याह में कटना मरण ते शाल डरिया कर शेर भरिया कर भरिया खुशी में दोष जनू बंदड़े का बाबू ब्याह में गर्मी धूप सरद कुछ ना मर्दा खतरे बरछी बदे इतने गासेल करते कुछ ना भाई सारा गाते छनो गोली ते फिर भी कदे दर्द कुछ ना जो गातरे धमकी ते डर जाओ बब्बर शेर मरते कुछ ना खुशी में दोष जनू बंदड़े का बापू ब्याह में रे 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 कटना मरते शाल डरा करे शेर भरा करता में
दसता बिल्कुल राइट बतागी। आए जय हिंद जय हिंद और नमस्ते छोटो गुड नाइट बतागी। आए मारे देश की आजादी का खुला गेट बतागी। ये काम करूंगा तेरे बताए काम करूंगा मत भारत माता का मैं भया खुशी मैं दो सजनू बंदड़े का बापू क्या मैं रे रे Thank you.
बताया था पीछे कि कटन मरण तो शाल डरया करे शेर भरया करे चाम है और भरया खुशी में बोस जनो बंदड़े का बाबू ब्याह में। अपनी भाभी से ये बात कह के नेता सुभाष चंद्र बोस जी दिल्ली आ जाते हैं और जो उसकी भाभी ने वह साड़ी मंगाई थी कहा था कि बोस इसी साड़ी ला दे जिसकी शक्ल नारी हो। अपनी भाभी के लिए दिल्ली से साड़ी ले जाता है और जाके एक बात के द्वारा नेता सुभाष चंद्र बोस क्या कहने लगा चावर भाई। हाँ ठप्पा ओरी च तेरा छप्पा एरी फैशन और ढंगी देख लिए और जिसा बताया उसे अपनी साड़ी का रंग देख लिए तेरा छापा फैशन और रंग दे देंगे जिसा मंगाया वो सब अपनी साड़ी का रंग दे लिए छापा और तेरा छापा फैशन और रंग देख लिए जिसा बताया वो सब अपनी साड़ी का रंग देख लिए। हिंद आजादी का राम लखन ने लंका तोड़ी उड़ा बाजे ढोल मुरारी का सत्यवान का फोटू होगा उस सावतरी की शादी का तेरी सत्यवान का फोटू होगा सावतरी की शादी बीच महात्मा गांधी का फोटू बीच महात्मा गांधी का फोटू उचर खा भी संग देख लिए जिसा बताया उसा तू अपनी साड़ी का रंग देख लिए छपायो तेरा छपा फैशन और रंग देख लिए जिसा बताया उसा तू अपनी साड़ी का राय भी न्यारे होंगे साड़ी में तेरी बोस पटेल राजपत राय सारे होंगे साड़ी में। आये सिंगापुर आजाद भोज तू सिंगापुर आजाद भोज तू आप बर्मा का जंग देख लिए देख लिए। ओ
मुंबई और दिल्ली झांसी का नक्शा होगा। अंग्रेजों की चाल चलने ओए बदमाशी का नक्शा होगा। जितना खोने ता टूट लिए उसे उस फांसी का नक्शा होगा। फांसी के तकते पकड़ा तो फांसी के तकते पकड़ा तो आए खान भगत संग देख लिए किसा बताया उसा को अपनी साड़ी का रंग दे लिए थापायो तेरा छपा फैशन और रंग देख लिए साड़ी के माँ सारे दाम छपा ओए चारू पल्ला ऊपर लक्ष्मी चंद का नाम छपा दूंगा। हरियाणे का फोटो बीच में बरोना गाम छपा दूंगा। कविताई करता साड़ी में कविताई करता जाट मेरे संग देख लिए जिसा बताया उसा तू अपनी साड़ी का रंग दे लिए थापायोर तेरा छपा फैशन और रंग देख लिए जिसा बताया उसा तू अपनी साड़ी का रंग दे। तो सजनों, नेता सुभाष चंद्र बोस अपनी भाभी को वह साड़ी दे के वापिस दिल्ली आते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस दिल्ली में आके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल इनसे इजाज़त लेके वहाँ से चल पड़ते हैं, दिल्ली से लाहौर और लाहौर से जर्मन की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल के अंदर पहुँचा दिया जाता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का एक नजीम, एक साथी था, वो खुद जेल में बंद हो जाता है और वहाँ से सुभाष चंद्र बोस को निकाल कर पेशावर होते हुए काबुल पहुँचा देते हैं। तो रास्ते में चलते चलते वो गिर जाता सुभाष चंद्र बोस, बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी की हालत में भारत माता सुभाष चंद्र बोस की नज़र आती है और कुछ होश में आए, सिर पर चोट लगी हुई थी और पट्टी बांध के काबुल की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में एक भटियारी मिली, सुभाष चंद्र बोस कहता है माता जी सलाम, क्योंकि भेष बदल रखा था। भटियारी कहने लगी सलाम भाई सलाम, आप कौन हैं? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं पठान हूँ। भटियारी ने कहा आप कहाँ रहते हो? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं इलाहाबाद रहता हूँ। और भटियारी ने पूछा भाई किस काम आया तू और तेरा क्या नाम है? तो सुभाष चंद्र बोस ने अपना असली नाम नहीं बताया, अपना नाम अलाउद्दीन बताया। और उसने पूछा आप किस लिए आए हो? तो उसने कहा कि मैं जहार पीर के दर्शन के लिए आया हूं। और सुभाष चंद्र बोस ने 500 रुपए उस भटियारी को दे दिए। भटियारी कहने लगी कह भाई ये 500 रुपए किस चीज के हैं? कह मेरा किसी को भी जिक्रा मत करना। न्यू करने लगी तो भाई तेरा भेद नहीं बताऊंगी, मन 1000 रुपये दे दे। तो बताते हैं सुभाष चंद्र बोस ने 1000 रुपये भटियारी को दे दिए और उसने बताया कि आज से चौथे दिन पीर जहार का मेला लगेगा, आपकी उनकी यादगार दिलाकर और आपकी भारत की सीमा पर छोड़ दूंगा। 1000 रुपये लेकर भटियारी चली जाती है और पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस सोए हुए थे, सिपाही कहने लगे आप कौन हो? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा हाँ जी, पुलिस वालों ने कहा चलो यहां से आपको जेल में बंद करेंगे। सुभाष ने कुछ रुपये दे के और सोने की इजाज़त ले ली, आरामदारी से सोया। लेकिन भटियारी ने सोचा
ये तो बहुत पेशावर आदमी, इसके बाद तो बहुत पैसे हैं, क्यों ना इसको तू खत्म कर दे। बताते नेता सुभाष चंद्र बोस सोए हुए थे, भटियारी ने पनाह का चक्कू उसकी छाती पर बैठी और चक्कू मारने लगी तो सुभाष चंद्र बोस की एकदम आंख उघड़ आई और हाथ पकड़ लिया और एक बात के द्वारा भटियारी को न्यू कर ला गया। बहुत अच्छे नो बोला री धोखा दे के परदेसी ने, हेरी डाटिया ना करते हेरी घरे आए मानस के शरण काट्या ना करते, हेरी धोखा दे के परदेसी ने डाट्या ना करते, घर आए मानस के शरण काट्या ना करते, धोखा दे के परदेसी ने भटियारी। कोई भी इंसान दूसरे की जगह पर पहुंच जाता है और दूसरे ने यह पता लग गया कि यह अतिथि है, उसके साथ ऐसा न्याय नहीं करना चाहिए। हाथ पकड़े हुए और भटियारी छाती पर थी, लोटा लोटा सुभाष चंद्र बोस भटियारी तनू करने लग गया। एरी याते मैं भी जानू सू तू मने हलाल करेगी, मनू ये बुझू मने मार के तू पार तेरेगी, एरी एक परदेसी की रकम लूट के तू अपना पेट भरेगी, दो दिन छके खा लेगी फिर भूखी रांड मरे गिरी, तो दिन छके खा लेगी भूखी रांड मरे गिरी, दिखे बेईमाने ते सदा किसे के, बेईमाने ते सदा किसे के, पूरे पट्या ना करते एरी घर आए मानस के शरण पट्या ना करते, धोखा दे के परदेसी ने डाट्या ना करते, घर आए मानस के शरण पट्या ना करते, धोखा दे के परदेसी पाप छुटे ना या मानस के मारे का, एक कीड़े पड़े कमरिया करे जो घाट करे प्यारे का, छुटे भरे जीव पता चले मीठे और खारे का, घूट भरे जब पता चले से मीठे और खारे का, अमृत जान जहर ने पागल, अमृत जान जहर ने पागल, तेरी चाटिया ना करते तेरी घर आए मानस के शरण पट्या ना करते,
युग में वाल्मीकि हुए हे डाकू चोर लुटे धन लोभी ने लाखा मानस मार मार के गेरे ए एक दिन कहन लग्या गुण बेटे तो पाप बाटन लो मेरे बनू बोले हे पाप पुन के हम ना साजी तेरे बनू बोले पाप पुन के हम ना साजी तेरे आ पाप पुन ने घर के मानस पाप पुन ने घर के मानस तेरी बाटिया ना कर तेरी री 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 घर आए मानस के सिर ने काटिया ना कर ते धोखा दे कर परदेसी ने डाटिया ना कर ते तेरी घर आए मानस के सिर ने काटिया ना कर तेरी री 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 पाप बिच जा तू गंगा जी सिंहाले आ उसके जाना चाहिए रे जो करते मान बुलाले नटने की मेरी बाण नहीं से बाल का भजन गवाले तेरी गावन की कार मेहर संग तेरी गावन की कार मेहर संग तो नाट्या ना करते तेरी घर आए मानस के शरण काट्या ना करते मेरे वतन के लोगों कर आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी पानी तो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी पानी पानी। तो सजनों बताते हैं नेता सुभाष चंद्र बोस उस भटियारी ने एक ओर न करके और वहां से चले आते हैं। सुबह हो गया दिन निकल आया 8:30-9 का टाइम था। सुभाष चंद्र बोस कहाँ जाते हैं एक चौराहे पे एक साइड न कुआ था कई लड़की पठानों की पानी भरी थी। जब वे पठानों की लड़की अपना अपना मटका ठा के चली तो वहां पर एक साड़ी वाली थी। नेता सुभाष चंद्र बोस ने सोचा ये कोई हिंदुस्तानी औरत होगी तो उस तक जाकर कहने लग्या कि भगवान नमस्ते। उस औरत ने कई बार नमस्ते नमस्ते कही तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप तो मैंने एक बार नमस्ते की है लेकिन आपने तो बार बार कहने लगी कि नमस्ते नमस्ते क्या बात है। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा जब ये बात तो नू कहने लगी आप कहाँ के रहने वाले हो और क्या नाम है आपका। नू बोला मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और मेरा नाम अलाउद्दीन है मैं पठान हूँ। जब इतनी बात कही तो औरत ने कहा कि भाई मैं भी इलाहाबाद की रहने वाली हूँ और मेरा पति उत्तम चंद है। मेरे पति महात्मा गांधी के साथ अंग्रेजों ने 7 साल कैद कर दी थी और भगत सिंह को फांसी तोड़ और बोस बिहारी को काले पानी भेज दिया था उसी समय मेरे पति कैद काट कर आए। इतनी बात कहकर सुभाष चंद्र बोस कहने लगा का आपका मकान कहाँ है तो बताते हैं। वो औरत अपने मकान में लेगी वहां पर उसका पति था जल का लोटा दिया और सुभाष चंद्र बोस ने अपना नाम सुभाष चंद्र बोस बता दिया। इतनी बात सुनते ही जो उत्तम चंद था ओनू कहने लगा भाई तू किस काम आया है कभी मैंने जर्मन जाना है मेरे को किसी तरह जर्मन भेज दे। तो बताते हैं उत्तम चंद ने बर्लिन से हवाई जहाज मंगाने की कोशिश की और बताते हैं वह हवाई जहाज मंगा दी सुभाष चंद्र बोस के लिए।
और जब उसमें बैठ कर जाऊन लग गया सुभाष चंद्र बोस, तब उस उत्तम चंद की जो पत्नी थी वानू कहने लगी कि मैं भी साथ चलूंगी। इतनी बात सुभाष चंद्र बोस ने सुनी तो एक बात के द्वारा उत्तम चंद की घरवाली को सुभाष चंद्र बोस न्यू कहने लग गया, ओए रणे भूमि के मैदान में, एरी मैदान में भी राका का मैं नहीं, एरी री एरी री एरी री 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 रणे भूमि के मन कैसी हो बरसात, मोर चाम रहना पड़े आठ पहरे दिन रात, मोर चाम रहना पड़े आठ पहरे दिन रात, आए बिच्छू माछर डांस पपी छूटे छूटे खा जा गाते, दुश्मन आला की कर छूटे सिर फूटे और टूटे गाते, गैस का गोला मानस के ऊपर कर दे दम्मा गाते, गैस का गोला मानस के ऊपर कर दे दम्मा गाते, आए गोला की घमशान में घमशान में मिले हाडी का नाम नहीं, हेरी री हेरी री री हेरी री 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 रे भूमि के मैदान में मैदान में बीरा का मैं नहीं, हेरी री 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 री। जवान लड़े घोड़े के दुलते चल छोरिया का भी गात छड़े, भाई मोटर लारी फट्टा फट्टी इंचा गैल बंक अड़े कट 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 शीशे पड़े धरती पे कैसे पाते झड़े, छमा छम गोली बरसे दम्मा दम बम्ब पड़े, छमा छम गोली बरसे दम्मा दम बम्ब पड़े, ये झाजे लड़े आसमान में आसमान में जिते कुछ भी धाम नहीं री तेरी री तेरी री तेरी री 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 रण भूमि के मैदान में मैदान में भी राका धाम नहीं।
खोटी कारे चाकू छुरी बरछे बाले खुकररी बेसुमारी बल्लम और संग सके छाती के माओ जा पारे भाई तकवे और गंडा से कुहाड़े जिन में छुआ अंगल की धारे टूटे वंटी पाइप तो कगोला सुके ने मचा दे गारे पिस्तौला के फायर छूटे एर छनक छनक चले तलवारे हथियारे के चलावनी या पीर का हेर पीर का उड़े असली नाम नहीं हेरी 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 भाई एक बम के गोले का तन एक बम के गोले का सारा सुनाऊं मैं मजबूर खत पर्वत पहाड़ फोड़ के एकदम बना दे चकना चूर बहुत घने तगायल तड़प बहुत कान बवे खून हिर लड़ाई में जावनिया डाट की तू जाते भून रे घर कुन बे नयाद कर गए धरती के माँ मारे दून दिखे पानी पानी कर के मर जा रे रोटियां की बुझे कौन पानी पानी कर के मर जा रोटियां की बुझे कौन हाय मेरे सिंगे के ध्यान में श्याम तो सजनों जब इतनी बात नेता सुभाष चंद्र बोस ने कही तब उसने उत्तम चंद की इजाजत लेकर और उसकी पत्नी से वहां से बैठ कर जहाज में और कहां पहुंच जाते हैं जर्मन की राजधानी बर्लिन में पहुंच जाते हैं। तो वहां पर हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस का कैसा स्वागत किया के बता दिया। एर घड़ी ना बीती ना पल गुजरे एक उतरिया जहाज शक्कर भाई बरसन लगे फूल पोस पे जब हाथ में ला हेट लरी ते घड़ी ना बीती ना पल गुजरे उतरा जाज चक्कर पे बरसन लगे फूल पोस पे हाथ में ला हेट लरी घड़ी ना बीती ना पल गुजरे उतरा जाज चक्कर पे बरसन लगे ठा देखें बेटी रे मंगल गावे खुशी मनावे फूल बगावे लेती रे दिखे बरलन आरी दीरा की भाई अदान जगते बेटी रे दिखे गोरी 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 लंबी लंबी सड़ू हरे बांस की बेटी रे लगे फूल बो
हस कहने भाई हस हस कहने हिटलर ने कोड़ी भर ली यार बोस की। जय हिंद जय हिंद ओरे नमस्ते ली दिलदार बोस की। दिखे हिंद ते ज्यादा इज्जत रखी मारे दरिया पार बोस की। दिखे आगे आगे पपो बैंड बजन लग्या और पीछे खार बोस की रे। आगे आगे बैंड बजन लग्या और पीछे खार बोस की। मांग्या भाई जो कुछ मांग्या काम बोस ने बाज दौड़ के हो गया रे। सेवा करने की खातर यटलरी हाथ जोड़ खड़ा हो गया रे। बटन दबा दिया किरण पाट गई इस हेम चांदना हो गया रे। टिके पाका गया कोई ठीका पेरा चारू ओड़ के हो गया रे। चार कूट में बब्बर शेर तपसे बैज बटन और ई सेट हैंड के फोटो रोज छपसे। आजादी के भजन बतेरे ये झूठे गप बकसे। दिखे आजादी के भजन रागणी बरोड़े भी छपसे। सुभाष चंद्र बोस आपस में बात हुई तो हिटलर ने पूरी सहायता देने के लिए बातें की। तो बताते हैं जब हिटलर से ये बात हुई तो नेता सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में जाते हैं। किस तरह भला ओ जट्टे बोस बहादुरी
रे बोस बहादुर सिंगापुर में आए लुच्चे और घने टटोले चुगलखोर देश द्रोही शख्सदा में डोले गए सिंगापुर ने नेता सारे सोने चांदी में तोले गए जितने दाम हुए कट्ठे देश भरत में खोले गए भाई जितने कदी आए जितने कदी भारत माँ के सब फंदे ते छुटवाए साज नवाज ढिल्लो मोहन सिंह से बात हुई भारत की आजादी खातर मीटिंग और पंचायत हुई छुआछूत मिटाई गई सबकी एक जात हुई सिंगापुर की सारी आर्मी बंगाली के साथ हुई सिंगापुर की सारी आर्मी बंगाली के साथ हुई भाई हिंद आजाद करने की खातिर सबने हाथ उठाए की लड़ाई खतर फिक्स एक डेट हुई की लड़ाई खतर फिक्स एक डेट हुई अंग्रेजा की चलती गाड़ी असल से लेट हुई नेता का कानून चालू ब्रिटिश की नामेट हुई अमेरिका अफ्रीका की सुनकर डिबरी टेट हुई अमेरिका की सुनकर डिबरी टेट हुई आजाद हो जका ओ आजाद हो जका नाम सुना जब गोरे भी घबराए स्टार्ट हो गए नेवी अगन बोट समुद्री चार ड्राइवर गाट हो गए ब्रह्मा हीर गुजरी जन माए शामिल जाट हो गए सबने मिलके जय हिंद बोली आजादी के ठाट हो गए सबने मिलके जय हिंद बोली आजादी के ठाट हो गए
हेर नेता जी का हेर रे 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 श्री नेता जी के अच्छे चरित्र मेर सिंह ने गाए हैं। हिटलर ने बोस की हर प्रकार की सहायता दी। नेता सुभाष चंद्र बोस ने वे सभी फौज वापस ले ली जो कि हिटलर के पास थी। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई और उस फौज में सिंगापुर बर्मा आदि सीमाओं की ओर से हिंदुस्तान गोरी सरकार की फौज के साथ लंबे समय तक संघर्ष किया और अंग्रेजी सरकार की जड़ें उखाड़ दी। इसलिए अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन हिंदुस्तान की बदनसीबी वो किस्मत है कि नेता सुभाष चंद्र बोस जैसा औरतन फिर वापिस नहीं आया। पता नहीं वे अमर शहीद नेताजी हमसे क्यों नाराज हो गए। एक ने किसी ने कहा है, अगर मैं मर जाऊं शहीदे, एक ये शेर ध्यान से सुनिए कैसा है, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे सौ पे दो फूल चढ़ा देना, अगर ओ पूछे मरने की वजह बिन आई मौत बता देना, अगर ओ पूछे मिलने की जगह शमशान का रास्ता बता देना। ऐ मेरे हिंद के देशवासियों, मुझे हिंद की चारों कूट की गलियों में हट के फिर से गुजार देना। हम बाट देख के हारे तने, हम बाट देख के हारे तने, भाई कित सी शान छपाली, आजा भारत के शेर आजा बोस बंगाली। किस तरिया जलने डटे, हम किस तरिया जलने डटे, मारा कुछ ते ख्याल करिया होता, दरिया छोड़े समुंदर में हम मारेंगे कित जागोता, मारेंगे जागोता। तन फिर जमाना टोता टोता टोता, तन फिर जमाना सुजाली, और जा भारत के शेर आजा बोस बंगाली। हम भारत में कितनी शान छुपाली, आजा भारत के शेर आजा बोस बंगाली, आजा बोस बंगाली। गुजरी जात ब्राह्मणे, हीरो रे गुजरे जात ब्राह्मणे, यो राजपूत नरेश का अरिजन और सिख सभी, हाँ झगड़ा रहे हमेशा का, झगड़ा रहे हमेशा का,
तेरे तेरे देश का बिन तेरे तेरे देश का यो पड़ा मोहर सा खाली को अंग्रेजों ने छोड़ना पड़ा और अंग्रेज हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया। देश की शक्ति विभाजित हो गई, देश कमजोर पड़ गया। हिंदुस्तान में पाकिस्तान का रुख में दोनों भाइयों के बीच बहुत से विवाद पैदा हो गए। लड़ाई झगड़े की आशा भी रहती है, लेकिन क्या हम असलियत इस नहीं समझेंगे? क्या इस आजादी को प्राप्त करने में भारत माँ का उन अनेक कष्ट झगड़ने पड़ रहे हैं, इसलिए छवि को धुंधली होने दे नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, हम एक हैं और एक रहेंगे। और क्या कहने लगे? रे बेईमान फिरंगी, वे ते पाकिस्तान बना के, रे बेईमान फिरंगी पाकिस्तान। तमाम किया लोभ देके
फूट गिरी भारत को गुलाम किया है उनकी बीरा आगे हरे मर्दा ने सलाम किया उनकी बीरा आगे हरे मर्दा ने सलाम किया उनकी लेडी मैम देखी मूर्त जैसी घड़ी हुई हाथ में पिस्तौल रखे ग्यारह गोली पड़ी हुई मारी का दुर्बल बाणा मुखी लाली झड़ी हुई ओए भारत मिला रे दिया माटी में लूट लूट के खा के रे लठी नहीं अरे मारे पास लठी नहीं रखे वे पिस्तौल कर मारे मारे पे पाबंदी ला दी जे कोई पाजा कील घर में अंग्रेजा ने देख देख हिंदुस्तानी रहते डर में अंग्रेजा ने देख देख टेम्बलेडी फुल कह कुत्तों से बुलाया करते उनके एक इशारे से हम फौरन दौड़े आया करते भूखे प्यासे मरते उनके नखरे भी उठाया करते भाई 200 साल रे 200 साल गुलामी रे वो सिंह से वीर तो फांसी दे के मारे गए बहुत से कैद भोगी काले पानी कई तारे गए भाई अंग्रेजा खतर मारा भारत देश मरता हमने देखा रे होशियारी से भारतवासी जो भी काम करता देखा व्यात पर भाई काट दिए जो भी यहाँ उभरता देखा भाई सन 1900 सन 1939 में बड़े बड़े लाल खपा गे रे देई माने फेरे ईश्वर की मेर फिरी कांग्रेस का ख्याल किया आजाद हिंद भाई
खोजने तो बड़ा ही कमावल किया। हाँ जो गोरा भाई आगे आया रे बकरा सा हलाल किया। महात्मा पटेल गांधी जेलो अंदर पड़े रहे, सुभाष चंद्र खोल सिन्हा अंग्रेजों से लड़ते रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेलो अंदर सड़ते रहे। आए माने सेंगी आजादी का तो सुंदर बोस दिलागे तो मेरे प्रिय श्रोता गणों, नेता सुभाष चंद्र बोस का किस्सा यहीं पर समाप्त होता है। बोल गौ माता की जय हो, जय हो।